अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि कितना घातक हो सकता है ज्यादा आयरन की गोलियां खाना। डॉक्टर साहब देखिए, कोई भी चीज जब आपको खानी होती है तो डेफिनेटली उसका एक प्रॉपर डोज होना चाहिए, उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज अगर बेनिफिट करती है तो उसको ज्यादा मात्रा में खाया जाए। और आपको एक चीज हमेशा जो है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप खा रहे हैं वो पच रहा है क्या, क्या वो एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी में। नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका। बहुत सारे लोग जो है इतना आजकल दवा करके वो प्रोटीन शेक और क्या क्या खाते हैं मसल्स बनाने के लिए, एंड रिजल्ट क्या होता है कि थोड़ी बहुत मसल तो बनती है लेकिन पेट खराब हो जाता है उनका। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उतनी मात्रा में खाइए जितना डाइजेस्ट हो। तो एक तो प्रॉब्लम यही आती है जब आयरन की टेबलेट्स आप खाने लगते हैं जस्ट थिंकिंग के इससे हीमोग्लोबिन बनेगा, खून बनेगा, तो एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता उसका पूरा। अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आयरन की टेबलेट जब भी वो लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार हमारे पास भी आते हैं जब, तो वो बताते हैं कि जी कोई आयरन का तो नहीं है इसमें कुछ, हमारे यहाँ लोहो भस्म बनाई जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारा जो आयरन होता है वो जो टेबलेट में आयरन है उससे अलग टाइप का होता है। हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग इतनी होती है, लोहो भस्म बनने में 4 महीने लग जाते हैं। कई बार 100 बार उसको पुट लगाना पड़ता है, फिर उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल करके बनाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जीवा में हम सब चीज़ें अपने घर में ही प्रोसेस करते हैं, अपनी फार्मेसी में बनाते हैं, तो हम आपको समझा सकते हैं इसके बारे में। एनीवे, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत इससे डेफिनेटली हो सकती है। ज़्यादा आयरन का सेवन करने से सेल डैमेज होता है, कुछ फ्री रेडिकल्स आपके बन जाते हैं जिनको के एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र हम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स वही होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं, और फ्री रेडिकल्स आर कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। इसके अलावा आप जब ये लेते हैं तो एज ए साइड इफेक्ट बहुत सारे पेशेंट्स में कंप्लेन कभी कभार होती है कि उनको वोमिटिंग या नोसिया जैसा फीलिंग आती है। वोमिटिंग नहीं भी आती है तो उल्टी आने को, जैसे जी मिचलाने को होता है, और लूज मोशन भी कई लोगों को हो जाते हैं। जब अपच हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा, तो लूज मोशन हो सकते हैं। एंड ज़्यादा समय तक ज़्यादा मात्रा में खाते रहें तो थोड़ा लीवर के ऊपर भी असर आता है, क्योंकि लीवर ही हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो गेट कीपर जैसा काम करता है। कोई भी चीज़ हम अंदर डालते हैं अगर वो सिंथेटिक है, जरूरी नहीं है केमिकल, सिंथेटिक भी है, तो लीवर उसको रोकने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा पहचानती है। यही कारण है कि जो आजकल जंक फूड है, यानी कि वो तो फूड ही है, वो तो मेडिसिन भी नहीं है, उसको भी हमारी बॉडी जो है एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। और प्रोसेस करके उसको हमने जो नेचुरल चीज़ें थी उनको कुछ ऐसा रूप दे दिया है कि वो अब हमारी बॉडी उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाती। एंड दैट इज़ वाई देर आर सो मैनी डिजीजेज कॉज्ड बाय, और लीवर पर इसका बहुत असर पड़ता है, फैटी लीवर होना या लीवर को कुछ डैमेज होना, तो ये सारे नुकसान होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी सप्लीमेंट आपको चाहिए कोशिश करिए नेचुरल फॉर्म में आपको इसको लें। आंवला आप खा सकते हैं, आप जो है आयरन के लिए सेब खा सकते हैं, चुकंदर, पालक, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आपके बॉडी के अंदर आयरन बढ़ाती हैं। खजूर आप खा सकते हैं, तो नेचुरल चीज़ों से कोशिश करो प्राप्त करने की। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर उसकी डोज और मात्रा, जैसे भी सप्लीमेंट लेना है वो हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव उससे ना हो। तो बिल्कुल, कहने को छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका असर काफी बड़ा हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 01294040404 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।